इस वक्त हर जगह एक ही बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आ रही हैं। शेयर मार्केट से लेकर सट्टा बाजार तक हर जगह गजब हलचल है बॉस। आते जाते उठते बैठते लोग पूछ रहे हैं कि 4 जून का इलेक्शन रिजल्ट कैसा आने वाला है। लोग फोन कर रहे हैं भाई कि तुम तो पत्रकार हो, तुमको पता होगा। अरे भाई, पत्रकार भी जो जमीनी हालात है उसके हिसाब से अनुमान ही लगा सकता, फाइनल रिजल्ट थोड़ी बताता है। अच्छा, ये तब है जब अभी लास्ट फेज की वोटिंग बची हुई है। लास्ट फेज की वोटिंग के लिए भी सब प्रचार में अपना दम लगा रहे हैं। आखिर तक अपनी सीटें बढ़ा ली जाएं, इसका पूरा जोर है। अब तक 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इतनी सीटों पर वोटिंग से बहुमत किसे आ रहा है ये तो अब तक तय हो चुका है, इसलिए लोग अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। शेयर मार्केट से लेकर लोकल मार्केट तक, सट्टा बाजार तक, सब जगह यही चर्चा चल रही है कि आएंगे तो मोदी ही या मोदी नहीं आ रहे, और अगर मोदी आ रहे हैं तो कितनी सीटें ला रहे हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स में यही टॉपिक है। लोग अपने में भी शर्त लगा रहे हैं कि देख लो इतना आ रहा है, मोदी फिर से आ रहे हैं या नहीं, इसको लेकर लोग शर्त लगा रहे हैं। जिस तरह हर नेता अपनी जीत का दावा कर रहा है उससे जनता की धड़कने और बढ़ रही। देखिए, हर कोई अपनी जीत को लेकर कैसे भयंकर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। जैसे पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को भी बड़ा मंगल है, 4 जून को बड़े मंगल के दिन फिर एक बार मोदी सरकार आ रही। अमित शाह कह रहे हैं कि भाई 4 जून की दोपहर को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देंगे। राहुल गांधी अलग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पीएम पद पर सिर्फ 7 दिन बचे हैं, 4 जून को बीजेपी मोदी गुड बाय। ममता बनर्जी दावा ठोक रही है कि हवा का रुख बदल रहा है, नरेंद्र मोदी अब पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि 4 जून को नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 4 जून को जनता मोदी शाह की नौकरी छीन लेगी। यानी 4 जून को लेकर कैसे कैसे दावे किए जा रहे हैं वो आपने देखा। लेकिन आप यह भी देखिए कि बीजेपी और विपक्ष दोनों कैसे 4 जून के बाद की अपनी प्लानिंग करके बैठे हैं, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा कुछ दावों को सुन भी लीजिए। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसकी शुरुआत 4 जून को होने जा रही है। 4 को काउंटिंग है, 4 की दोपहर को ये दोनों शाहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। वो क्या बोलते, कैसा भी है उनका जॉब खाली होने वाला है। मेरा जॉब चले जा रहा ना, ठीक बोल रहे, वो मेरे जा रहे वाला है और उनका खाली होने वाला है, तो वो सब जॉब्स हमको मिलेंगे। अरे बात सुनो, मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार पैदा किए हुए नहीं है, अवतार है। सरकार हम लोग का बनेगा। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस अपने इतिहास में सबसे बड़ी पराजय के लिए तैयार है। अब की बार 400 पार तो विपक्ष की जमानत जब्त हो रही है। नेताओं के ये बड़े बड़े दावे सिर्फ 4 जून को लेकर नहीं, बल्कि 4 जून के ठीक बाद क्या होगा इसकी भी प्लानिंग वो लोग अभी से कर रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी है कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर एक्शन और तेज हो जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार बनते ही 5 जुलाई को देश की करोड़ों गरीब महिलाओं के बैंक खाते में 8,500 रुपए आ जाएंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी 6 जून को बैंकॉक रवाना हो जाएंगे। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेने वाले हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन वालों पर लठ बजने वाले हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन के लोगों की आंखों से आंसू बहेंगे, कईयों को मिर्गी का दौरा पड़ेगा। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उम्मीदवार संजय जायसवाल कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 4 जून के बाद छुट्टी मनाने सिंगापुर चले जाएंगे।
हर नेता ही कॉन्फिडेंट या तो दिख रहा है या दिखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि भाई सब तो जीत नहीं हो रहे होंगे, यानी कोई एक साइड तो ब्लफ खेल रहा है कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं जीत रहा हूं, और इसलिए इनका कॉन्फिडेंस देखकर पब्लिक का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। खासकर इलेक्शन रिजल्ट क्या होगा इसको लेकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों में बड़ी बेचैनी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मोदी आए रॉकेट बनेगा शेयर मार्केट तो बहुत मुनाफा होगा, नहीं आए तो एकदम गोता लगा लिया, ब्लड बाथ हो जाएगा शेयर मार्केट में, ब्लैक ट्यूजडे टाइप ना हो जाए, सारा पैसा ना डूब जाए, लोग एकदम आए बाएं हुए रखे, सबको टेंशन है भाई कि 4 जून का रिजल्ट क्या आएगा। देखिए ब्लूमबर्ग ने मार्केट से जुड़े एसेट मैनेजर्स, ट्रेडर्स और स्ट्रेटजिस्ट का एक सर्वे किया, उसमें निवेशक ये मानकर चल रहे हैं कि शेयर मार्केट में तेजी बनी रहने के लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी 303 प्लस सीटें जीते, यानी शेयर मार्केट चाह रहा है कि आए तो आए मोदी और वो भी 303 के ऊपर जाएं। अगर बीजेपी को सिंपल मेजॉरिटी आई तो भी निफ्टी जो है वो करीब 2% तक गिर सकता है, मतलब अगर सरकार बनी लेकिन बीजेपी की सीटें 303 से कम हुई तो भी मार्केट 2% गिरेगा। अगर नरेंद्र मोदी ने 303 से ज्यादा सीटें जीत ली तो शेयर मार्केट 3% तक बढ़ सकता है, यह ब्लूमबर्ग के सर्वे में अनुमान है। हालांकि ज्यादातर निवेशक ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म निश्चित है, फिर भी निवेशकों में इलेक्शन की स्टार्टिंग से जो उत्साह था उसमें थोड़ी कमी इसलिए आई क्योंकि चुनाव में कम वोटर टर्नआउट को लेकर बड़ी चर्चा हो रही, कुछ राज्यों में कड़ी चुनावी टक्कर की खबरों से उन्हें बेचैनी हो गई। तो शेयर मार्केट में लोग मान के तो चल रहे हैं कि आ रहा है मोदी, लेकिन थोड़ा सेफ साइड में चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच चुनाव के पिछले 1-1.5 महीने में शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव भी हो गया और निवेशकों के अंदर किस तरह की बेचैनी है उसे शेयर मार्केट के VIX इंडेक्स से भी समझ सकते हैं, जिसे शेयर मार्केट का फियर इंडेक्स कहते हैं कि मार्केट में कितना डर है। आमतौर पर जब चुनाव जैसे कोई इवेंट होता है या कोई युद्ध वाली स्थिति होती है तो यह फियर इंडेक्स बढ़ जाता है, पता नहीं ना कि क्या होगा भाई, युद्ध किधर जाएगा, चुनाव किधर पलटेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत अनिश्चितता होती है, यह पता नहीं होता कि कब मार्केट बढ़ेगा कब गिरेगा। इस वक्त जो विक्स इंडेक्स है, मतलब जो फियर फैक्टर है मार्केट का, 1 महीने में 87% बढ़ा है। अभी यह इंडेक्स 24 पर है, इलेक्शन रिजल्ट तक इसमें इसके 30 तक पहुंचने के आसार है। बाजार में अनिश्चितता इस बात से भी पता चलती है कि किसी दिन मार्केट बहुत बढ़ जा रहा है तो किसी दिन बहुत गिर जाता है, जैसे आज ही मार्केट में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 667 पॉइंट गिर गया और निफ्टी 183 पॉइंट गिर गया। आज निवेशकों के 1,30,000 करोड़ रुपए डूबे हैं बॉस, अभी तो रिजल्ट आया अभी नहीं है। हालांकि मार्केट में इस तरह के उतार चढ़ाव पर जब गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया तो उनका कहना है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग रूटीन बात, इसे इलेक्शन से मत जोड़िए भाई, शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुकिंग करते ही हैं, मार्केट का 1200-1300 पॉइंट बढ़ना और फिर गिर जाना बहुत सामान्य प्रक्रिया, चुनाव नहीं भी होता है तो साल में 15-20 बार तो ऐसा होता ही है, यह अमित शाह कह रहे हैं। वैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, भाई नरेंद्र मोदी बहुत सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार कहा है अभी इसी हाल के इंटरव्यू में कि जब वो सरकार में आए थे तो मार्केट 25,000 पर था, आज शेयर मार्केट 75,000 पर पहुंच गया है। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो हफ्ते भर में देखना स्टॉक मार्केट में ऐसी ट्रेडिंग होगी कि प्रोग्रामिंग वाले थक जाएंगे। यानी नरेंद्र मोदी तो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं बॉस कि किसी का पैसा डूबने वाला नहीं। अच्छा नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि मैं जिसमें कहता हूं ना, जिसकी बात करता हूं उसमें पैसा लगा दो, शेयर में मुनाफा हो, जैसे एचएएल को ये लोग कहते थे मोदी जी डुबा रहे हैं फलाने को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कहां उसका 1,000 रुपए से कम का शेयर होता था, आज एकदम रॉकेट बना हुआ 5,000 के पार चला गया। तो नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि मैं तो कहता हूं उसमें लगा दो पैसा। खैर ये अभी नरेंद्र मोदी अपना दावा कर रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट को लेकर सेफोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, भाई शेयर मार्केट तो मान के चल रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं, ये उनको लग रहा है, उनकी फीलिंग। सेफोलॉजिस्ट मतलब जो चुनावी पंडित हैं, जो चुनाव को पढ़ते हैं, उनकी एजेंसीज क्या बता रही हैं भाई। वैसे तो 1 जून की वोटिंग से पहले कोई नंबर बता नहीं सकता, लेकिन ग्राउंड पर माहौल देखकर सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। अभी सट्टा बाजार क्या कह रहा है उस पर आऊंगा, लेकिन पहले चुनावी पंडितों को सुन। जैसे CSGS के चुनावी विश्लेषक संजय कुमार ने कहा है कि महाराष्ट्र, बंगाल, यूपी, बिहार में कांटे की टक्कर है, बीजेपी को 2019 की तुलना में सीटों का नुकसान हो सकता है, बहुमत के आंकड़े के आसपास बीजेपी रही।
चुनावी विश्लेषक नरेश अरोड़ा का कहना है कि बीजेपी 2019 के पुराने आंकड़े के बराबर रहेगी या उससे ज्यादा रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, वहीं कांग्रेस की अपर लिमिट 65 तक जा सकती है। चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी की सीटें कम होने वाली ही नहीं है, सीटें बढ़नी तय हैं, कम तो होंगी नहीं किसी हाल में, यह प्रशांत किशोर कह रहे हैं। बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी और साउथ में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। उधर चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी बहुमत से बहुत नीचे होगी और एनडीए को भी बहुमत के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, यूपी जैसे राज्यों में बीजेपी को सेटबैक मिल सकता है। चुनावी विश्लेषक यशवंत देशमुख ने कहा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर दोनों दो एक्सट्रीम की बातें कर रहे हैं और सच्चाई कहीं इसके बीच में छुपी हुई, यानी मोटे तौर पर चुनावी विश्लेषक भी अलग अलग दावे कर रहे हैं, नेताओं के अपने दावे, एक्सपर्ट्स के अपने अनुमान। इसी बीच अलग अलग सट्टा बाजार भी अपना अपना गणित बता रहा है। जैसे राजस्थान का एक फलोदी सट्टा बाजार है, ये बहुत मशहूर है कि वहां लोग सट्टा लगाते हैं इलेक्शन को लेके, बाकी चीजों को लेके। तो ये फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक वहां क्या स्थिति है भाई, ये फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि राजस्थान की 25 सीटों में करीब 6 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी। यही फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि यूपी में बीजेपी 60 से 65 सीट और इंडी गठबंधन को 15 से 20 सीट पर एज है। एमपी में बीजेपी को 29 में से 27 सीटों पर एज है और 2 सीट पर कांग्रेस को एज है। सट्टा बाजार के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं, यानी क्लीन स्वीप हो सकता है। हरियाणा में बीजेपी को 5 से 6 सीट, झारखंड में 10 से 11 सीट पर बढ़त है, ओडिशा में बीजेपी को 11 से 12 सीट और बंगाल में 20 से 22 सीट पर बढ़त है। अब यह सट्टा बाजार का अनुमान है, सही होगा गलत होगा कुछ नहीं पता, लेकिन यह सट्टा बाजार में चल रहा है, जो खबरें छप रही हैं सब जगह। सट्टा बाजार का अपना अनुमान भी हफ्ते दर हफ्ते घट बढ़ रहा है। जैसे 13 मई को फलोदी सट्टा बाजार ने बीजेपी को 300 सीटें दे दी थी और कांग्रेस को 40 से 42, लेकिन एक हफ्ते के बाद बीजेपी के लिए अनुमान 300 से कम कर दिया और कांग्रेस के लिए अनुमान 70 से 85 सीटों पर पहुंच गया। फलोदी सट्टा बाजार इकलौता सट्टा बाजार नहीं है जहां इस तरह के चीजें तय होती, फलोदी के अलावा दूसरे सट्टा बाजार भी अपने अपने अनुमान लगा रहे। जैसे इंदौर का सट्टा बाजार खबरों में छप रहा है कि एमपी में बीजेपी को 26 से 29 सीट दे रहा है और 6 सीटों पर टफ फाइट बता रहा है। एमपी के रतलाम का सट्टा बाजार एमपी में बीजेपी को 26 से 28 सीट दे रहा है और कांग्रेस को 1 से 3 सीट। रतलाम का सट्टा बाजार बीजेपी को दिल्ली में 6 से 7 सीटें, पंजाब में 2 सीट, तमिलनाडु में 3 से 4 सीटें दे रहा है। अच्छा, मुंबई का एक सट्टा बाजार है, वो भी बीजेपी को 315 से 325 सीटों का दावा ठोक रहा है और कांग्रेस को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं। यह मुंबई के सट्टा बाजार का अनुमान है। सट्टा बाजार कभी सही भी होते हैं, कभी गलत भी हो जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बताया जा रहा था कि वहां कांग्रेस की सरकार आ रही, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार ने बता दिया था कि बीजेपी की ही सरकार आ रही और शिवराज सिंह दोबारा सीएम भी नहीं बनेंगे। इसी तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के बारे में सट्टा बाजार ने सही अनुमान लगाया था। सट्टा बाजार ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में बताया था कि बीजेपी को 110 से 112 सीटें आएंगी और बीजेपी को 115 सीटें मिली। सट्टा बाजार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बताया था कि बीजेपी को 50 से 52 सीटें आएंगी, बीजेपी को 54 सीटें मिली। यानी चुनावी विश्लेषक तक मान के चल रहे थे कि बीजेपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान हार रही है, लेकिन सट्टा बाजार का तुक्का लग गया था। सट्टा बाजार अलग अलग कैंडिडेट्स की हार जीत का भी अनुमान लगा रहे हैं इस बार। जैसे मुंबई सट्टा बाजार ने यूपी की कुछ सीटों को लेकर अनुमान लगाया, अमेठी पर स्मृति ईरानी जीत सकती हैं, यह सट्टा बाजार का अनुमान है। रायबरेली से राहुल गांधी जीत सकते हैं, मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव जीत सकती है, यह सट्टा बाजार अनुमान लगा रहा है। लखनऊ में राजनाथ सिंह 2.5 लाख वोट से जीत सकते हैं, यह अनुमान है सट्टा बाजार का। कन्नौज में अखिलेश यादव जीत सकते हैं, मेरठ में बीजेपी के अरुण गोविल जीत सकते हैं, यह भी सट्टा बाजार, मुंबई सट्टा बाजार दावा कर रहा है। ये अलग अलग जो चर्चाएं चल रही हैं वो आपको बता रहा हूं, ये सब मार्केट में चल रहा है। मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 64 से 66 सीटें आ सकती हैं। मार्केट सेंटिमेंट से तो यही लग रहा है कि ज्यादा संभावना पीएम मोदी के आने की लग रही है मार्केट में। अगर पीएम मोदी वापसी करते हैं तो उनकी जीत में महिला वोटर्स का एक बड़ा फैक्टर होगा। क्या होगा नतीजा वो तो 4 जून को पता चले, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी वापस आए तो आप ये एम फैक्टर, महिला फैक्टर, इसको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चुनाव दर चुनाव महिला वोटर्स पीएम मोदी पर भरोसा जताती रही।
इस बार भी जो वोटिंग हुई है उसमें कई राज्यों में महिलाओं ने पुरुषों को वोटिंग में पीछे छोड़ दिया। माना जाता कि वही महिला वोटर्स हैं जो पीएम मोदी के नाम पर वोट करने के लिए घर से निकलती हैं, क्योंकि मोदी सरकार में ही 2019 में महिला वोटर्स ने पुरुषों को पीछे छोड़ा और देश के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार। अगर आप देखें इस बार जिन राज्यों में बीजेपी को बढ़त की उम्मीद है वहां महिला वोटर्स की वोटिंग का पैटर्न क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि महिला वोटर 2019 में पहला मौका था जब पुरुषों से ज्यादा वोटिंग कर रही थी और नरेंद्र मोदी की सीटें 303 चली गई। अब जिन राज्यों में अगर आप देखेंगे महिला वोटर्स और अगर आप इधर देखें पुरुष वोटर, उनकी संख्या अगर आप देखेंगे, और ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी के बढ़त का अनुमान है, तो अगर आप देखेंगे जैसे बंगाल हो गया, बंगाल में इस बार जो वोटिंग हुई है पुरुष वोटर 81.62% बाहर आए, लेकिन महिलाओं की संख्या देखिए ऑलमोस्ट 84% 83.83%। यानी यहां बंगाल में महिला वोटर्स इतनी गर्मी के बावजूद ज्यादा बड़ी संख्या में बाहर निकली, और बंगाल वो राज्य है जहां के लिए कहा जा रहा है कि मोदी को, नरेंद्र मोदी को इस बार ज्यादा सीटें आ सकती। इसी तरह अगर आप देखेंगे यूपी, अभी आप सट्टा बाजार भी देख रहे थे, यूपी में बीजेपी को अच्छी सीटें बता रहा था, यूपी में पुरुष वोटर कितने बाहर आए 51.31%, जबकि महिला वोटर्स की संख्या यूपी में कितनी है 57.12%, यानी पुरुषों से ऑलमोस्ट 6% ज्यादा महिला वोटर्स ने वोट किया है, जबकि यूपी में बॉस भयंकर तपा देने वाली गर्मी चल रही, लू चल रही है, महिलाएं जो हैं वो घूंघट ओढ़ ओढ़ के लाइन में लग के वोट कर रही हैं, और ये वो संख्या आपको दिख रही है। इसी तरह अगर आप बिहार में देखेंगे, बिहार में जो पुरुष वोटर्स हैं उनकी संख्या कितनी है 51.95%, मतलब ऑलमोस्ट 52%, और महिला वोटर्स कितनी आपको पता है बिहार में, महिला वोटर्स की संख्या देखिए ऑलमोस्ट 63% बॉस जिन्होंने वोटिंग की इस बार, मतलब लगभग 11% ज्यादा महिलाओं ने बिहार में वोट किया है बॉस। इसके अलावा झारखंड ओडिशा में भी महिला वोटर्स जो हैं वो बड़ी संख्या में आगे आई हैं पुरुषों के मुकाबले। और अगर आप पांचवें और छठे फेज की वोटिंग देखेंगे तो एनडीए के दबदबे वाले इन दोनों चरणों में महिला वोटर्स ने ज्यादा वोट डाला। जैसे अगर आप देखेंगे इसी को, अगर आप फेज वाइज देखें फिफ्थ फेज कुल मतदान कितना हुआ, कुल वोटिंग कितनी हुई फिफ्थ फेज में, वो हुई 62.20%। इसमें अगर आप देखेंगे पुरुष मतदाता मेल एम 61.48% और फीमेल वोटर्स की संख्या अगर आप देखेंगे 63%। ये भी आपको फिफ्थ फेज का बता रहा हूं जो बीजेपी का मजबूत फेज माना जाए। इसी तरह से अगर आप सिक्स्थ फेज में देखेंगे, थोड़ा सा अगर आप इसको देखें सिक्स्थ फेज में वहां किस तरह से वोटिंग, वहां टोटल वोटिंग सिक्स्थ फेज में हुई, कुल वोटिंग आप देखिएगा 63.37%, और इसमें पुरुषों की संख्या रही ऑलमोस्ट 62% और महिलाओं की संख्या रही ऑलमोस्ट 65%। ये देखिए, और ये वो दो फेज हैं जिसमें कहा गया कि बीजेपी ने पिछली बार की तरह अच्छा परफॉर्म किया। तो वोटिंग पैटर्न बता रहा है कि जहां जहां जिन राज्यों में कहा गया कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है वहां महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा दिख रही है, उन्होंने ज्यादा वोट किया है। जिन फेजेस में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अच्छा किया है वहां उन फेजेस में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा दिख रही है। कैसे पीएम मोदी को महिला वोटर्स का साथ मिलता रहा है यह सिर्फ आंकड़ों से नहीं जमीन पर भी दिखता है। पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में हमारे सहयोगी अमित कुमार ने पीएम मोदी पर मुस्लिम महिलाओं से भी सवाल पूछे, बातचीत की, और बातचीत में ज्यादातर महिलाओं ने पीएम मोदी को सपोर्ट किया। मुस्लिम महिलाओं ने माना कि मोदी योगी की जोड़ी के बाद से यूपी का माहौल सुरक्षित हुआ है, गरीब महिलाओं को घर मिला है। एक बार वाराणसी से यह रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि बीजेपी के वो राज्य जो 400 पार के टारगेट को संभव बना सकते हैं। क्या सोचते हो जो इस बार चुनाव नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, अब फिर प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है, क्या आप सोच रहे हो नरेंद्र मोदी का? और अच्छा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आए, हम लोग का आवास वाला बन गया, और भी जो कुछ हम लोग को चाहिए उन्हीं से मदद लिया जाएगा। अरे वो जब
पहली बार जो हम कोशिश कर रहे थे बैठने के लिए, तब से हम लोग उनको वोट दे रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, तो कई साल बैठ चुके लेकिन हम देते हैं उन्हीं को, हमारा आवास का घर मकान बन गया है। आप क्या सोचते हो नरेंद्र मोदी के बारे में, कितना भरोसा है? हाँ, उन्हीं के तो दिया जाता है। हाँ, उन्हीं के तो। आपको लगता है नरेंद्र मोदी पे आप लोग जो मुस्लिम महिलाएं हैं भरोसा करती हैं? हाँ, उन्हीं को दिया जाता है। भरोसा करते हो? आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हमारा विश्वास तो नहीं बना, नहीं बना ना, और सपोर्ट मिला हुआ है मुस्लिम औरतों को। अच्छा, और आगे भी सपोर्ट ऐसे ही चाहते हैं सरकार से, नरेंद्र मोदी से। आवाज वाला इसलिए फॉर्म हम लोग का जमा हुआ है, पर आवाज वाला फॉर्म नहीं मिल पाता है उसमें। अच्छा, समय आप हम लोग को बस यही सुविधा है कि मोदी जी को हम लोग वोट देते रहेंगे, आप देते हैं हर साल, हम लोग देते हैं, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, हम लोग बहुत उनको दुआ देंगे और हर साल वो जीतते रहे हर साल। अच्छा, जिसके यहाँ जब तक उनकी जिंदगी वो गद्दी में बैठे रहे। यहाँ पे एक और जो सुरक्षा की बात आती है, मोदी और योगी का ये लोग भी तो मतलब कि बहुत बढ़िया किए हैं, जहाँ तक से लूट मार काट मार महिलाओं के साथ में होता रहा, वो सबसे तो एकदम सब सुविधा बढ़िया हो गया। अच्छा, लड़की निकलती नहीं रही, लड़की पढ़ने लगी है, बहुत आगे बढ़ने लगी है, ये सब बहुत बढ़िया है। मुस्लिम महिलाएं भी मोदी कर रही है, नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया। बीजेपी इलेक्शन रिजल्ट को लेकर कॉन्फिडेंट इसलिए भी है क्योंकि कम से कम 6 से 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का इस चुनाव में स्पेशल फोकस रहा और इन राज्यों में बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी सीटें यहां बढ़ेंगी। जैसे बंगाल में पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें थी, इस बार टारगेट 30 से 35 सीटों का। ओडिशा में पिछली बार 8 सीटें थी, टारगेट इस बार 17 का रखा गया। तेलंगाना में पिछली बार 4 सीटें थी, इसे डबल डिजिट में पहुंचाने का टारगेट है। आंध्र प्रदेश में पिछली बार एनडीए को 3 सीट मिली थी, इस बार बीजेपी का अनुमान है कि एनडीए को 15 से 20 सीटों का टारगेट जो है वो पूरा कर लेगी। तमिलनाडु में पिछली बार बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, इस बार एनडीए का टारगेट 10 सीट का है। केरल में पिछली बार बीजेपी को 0 सीट मिली थी, इस बार बीजेपी का टारगेट है कि केरल में 5 सीट तक जीता जाए। यूपी में पिछली बार एनडीए को 64 सीटें आई थी, इस बार बीजेपी ने 75 से 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। यानी बीजेपी का टारगेट है कि इन 7 राज्यों में 60 से 70 सीटें किसी तरह बढ़ाई जाए। अगर यह टारगेट बीजेपी अचीव कर लेती है और किसी राज्य में कोई नुकसान भी होता है तो उसकी सीटें बढ़ेंगी ही, कम नहीं हो।